उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी रैलियां पदयात्रा को बंद कर दिया है और 15 जनवरी तक इस पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद जो जितनी भी राजनीतिक वो हैं पार्टियां हैं उन सभी का ये मानना है कि वर्चुअल तरीके से प्रचार किया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है अखिलेश यादव का कि बीजेपी के पास बेहतर सुख सुविधाएं हैं, वो बेहतर तरीके से प्रचार कर सकती है क्योंकि उनका जो आईटी सेल है वो काफ़ी मजबूत है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से विजय भाटी जी इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव प्रचार अब करने की कोशिश करेगी। सर, बीजेपी के पास कहा जा रहा है कि ज़्यादा ऑप्शंस हैं प्रचार करने के वर्चुअल तरीके से, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। ऐसा है, विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, जब जिसको अपनी हार नज़र आती है तो कोई ना कोई आरोप लगाते हैं। वो हमारे पास योगी जी मोदी जी ऐसे हैं और योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हमारी जीत के लिए वही बहुत काफ़ी हैं, उसमें ही हमारी जीत है। योगी महाराज जो हमारे बाबा हैं वो तख्त पे सोते हैं, अपने भजन पूजा करते हैं, विपक्ष वाले क्या करते हैं वो आप भी जानते हैं। और हम सब लोग जितने भी हैं, जैसे कोरोना हुआ पिछली बार, कोरोना में हमने लोगों की सेवा की, मजदूरों को चप्पल वगैरह दी, वो लोग कहाँ थे? वो लोग विदेश में थे, घूम रहे थे, कोई कहीं घूम रहा था कि कोरोना ना हो जाए, हमको कहीं ऐसी जगह चले जाएँ। और हमारे योगी जी मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता जितने भी थे, हमारा ऊपर का संगठन जो निर्णय देता था हम उसको पूरा करते थे और उसमें लगे रहते थे कोरोना के समय भी। दूसरा, जो हमने काम किए हैं, शौचालय हो जाए, चाहे फ्री राशन हो, चाहे अयोध्या मंदिर हो, क्या जनता याद नहीं रखेगी इनको? अच्छा, बीजेपी लगातार पिछले इतने कुछ महीनों से अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, नंबर वन बता रही है उत्तर प्रदेश को। वहीं जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि गुंडा राज और जो क्राइम बढ़ रहा है लगातार उत्तर प्रदेश में, सिर्फ इसमें बीजेपी ने, यूपी सरकार ने नंबर वन बनाया प्रदेश को। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुंडा राज बढ़ रहा था ना, विपक्ष बढ़ा रहा था, हमारे यहाँ पे महिला सुरक्षा और जितने भी अपराध होते थे कम हुए और सुरक्षित हैं हम सब लोग, उस पर नंबर वन पे हमारा प्रदेश है। गौतम बुद्ध नगर में तीन विधानसभाएं आती है, नोएडा, दादरी और आपका जेवर, क्या लग रहा है इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी या जीतेगी तो कितने बहुमत से जीतेगी? जीतेगी और पिछले से अच्छे बहुमत से जीतेगी अब की बार। ये बहम है समाजवादी के लोगों को, उनको पता नहीं है अभी कुछ भी क्या होने वाला है। और उन्होंने अभी देखा होगा एग्जिट पोल भी, जो एग्जिट पोल आया है उसको भी वो गलत बता रहे हैं कई लोग, अभी गलत है। वो कैसे गलत हो सकता है? थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन पूरा गलत कैसे हो जाएगा? हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और सब हम उनका सम्मान करते हैं, और जो आदेश हमारा सरकार का होगा, हमारी का, संगठन का होगा, वो हम पालन करेंगे। लेकिन जनता पूछ रही है कि मुद्दे क्या है? महंगाई, रोजगार इतना बढ़ चुका है, कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गई, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ रणनीति है पार्टी के पास? महंगाई, रोजगार ये पहले भी चलते थे और अब कम हुए, इतने नहीं है, ना ज़्यादा महंगाई है ना बेरोजगारी ज़्यादा है। और पिछले समय में आपने देखा हुआ क्या होता था, गुंडे सरेआम रंगदारी मांगते थे, अपहरण करते थे, हत्या करवा देते थे, तो उससे तो अच्छा है, अब सुरक्षित है सभी लोग। तो इस कारण बहुत सारी जो हमारी योजना है, अपराध मुक्त है, महिला सुरक्षा है, इन सब बातों को जनता भूलेगी नहीं और हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। जनता एक मुद्दे पर और कंफ्यूज है इस बार, योगी जी कह रहे हैं और यूपी सरकार और आप लोग कह रहे हैं कि 300 प्लस की सीटें आएंगी, वहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि 400 प्लस जाएगी, तो अब जनता कंफ्यूज है कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टी हवा हवाई दावे कर रही है, ना तो बीजेपी की 300 प्लस आएगी और ना ही समाजवादी पार्टी की 400 प्लस। देखिए, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता कि आएगी, लेकिन हमारा अनुमान है 300 प्लस आएंगे हम। विपक्ष जो सोच रहा है वो होगा नहीं, कुछ काम भी तो होते हैं, अगर व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे वोट मिलती है, सीट बढ़ती है। हमारे योगी महाराज जी, आदित्यनाथ जी रात दिन लगे रहते हैं, अब जैसे नोएडा का मुद्दा लगा लो आप, अखिलेश जी ने बोला जो नोएडा जाता है वो दोबारा नहीं बनता,
तो हमारे यहाँ महाराज जी कितनी बार आए हैं और अब देख लेना दोबारा बनेंगे। अगर माना जाए अगर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो नोएडा का दोष माना जाएगा उसके पीछे? नहीं, सरकार आएगी ना, दोष क्या माना जाएगा। ठीक है, सरकार आएगी। ठीक है, तो हमारे साथ विजय भाटी जी थे, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है कि पार्टी इस बार बीजेपी की सरकार में आने वाली है और अगर कोरोना नियमों की बात की जाए तो हम वर्चुअल तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करके जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।